तो दोस्तों, आप लोगों को पेपर टॉयज इतने ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा इस बार आप लोगों के लिए कोई ऐसा वैसा टॉय नहीं बनाया जाए, कुछ मज़ेदार टॉय बनाया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए नोटबुक के पेज की मदद से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉय बनाया है। तो दोस्तों, हम लोग का पहला टॉय इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि ये मेरा अब तक का फेवरेट टॉय है। आई होप कि आप लोग को भी ये वाला पसंद आया होगा। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने आप लोग के लिए एक बोनस टॉय भी बनाया है जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आई होप कि आप लोग को दोनों टॉयज पसंद आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट टॉय को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने नोटबुक का एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम लोग इस पेपर का एक रोल बना लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रोल बनाने के लिए एक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसका रोल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका रोल बना लिया है। तो दोस्तों, इस तरह का हमें दो बिल्कुल सेम साइज के रोल्स की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया, सिंपल सा हम लोग इसका भी एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका भी रोल बना लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक स्केल की मदद से यहाँ पर हम लोग 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे इसमें मार्क लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह के हमें टोटल 6 पीसेस की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, इनमें से हम लोग एक टुकड़े कर लेंगे और इसके ऊपर में हम लोग ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर में हम लोग अपने दूसरे टुकड़े को चिपकाएंगे। दोस्तों, इसको चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसको आप लोग को थोड़ा सा आगे पीछे करके चिपकाना है, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से अब हम लोग अपने तीसरे टुकड़े को भी चिपकाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी चिपका दिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके चिपका दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं सभी टुकड़ों को चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो सभी टुकड़ों को चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और टुकड़ा ले लिया, इसका जो साइज है वो लगभग 8 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों, इसको हम लोग इसके बिल्कुल ऊपर वाले साइड में यहाँ पर चिपकाएंगे और दोस्तों इसके पीछे हम लोग कुछ इतना जगह छोड़ देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको चिपका लेता हूँ। अगर दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब हम लोग अपने इन दोनों रोल्स को ले लेंगे जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बना कर रखे थे। दोस्तों, इनको हम लोग कुछ इस तरह से आपस में चिपका देंगे बिल्कुल बराबर साइज से। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको भी चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया। अब दोस्तों, हम लोग इसको लेंगे और इसके बिल्कुल ऊपर वाले साइड में इस वाले जगह पर हम लोग इसको भी चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना हमें इधर गैप छोड़ देना है और इसको यहाँ पर चिपका देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको भी मैं फेविकॉल की मदद से चिपका देता हूं। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर के पेपर को ले लिया है, इसका हम लोग एक चपटा सा रोल बना लेंगे। और दोस्तों, इस पेपर का मैं यूज डिजाइन देने के लिए करूंगा। अगर आप लोग नहीं देना चाहते हो तो आप लोग नॉर्मल व्हाइट पेपर की मदद से भी बना सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसका रोल बना लिया। अब दोस्तों, हम लोग अपने गन को लेंगे और इसके इस वाले जगह पर हम लोग इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों, इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से चिपका पाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें इसको चिपकाना है। तो दोस्तों, ये अभी अच्छी तरह से नहीं बैठ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे तब ये हम लोग का अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको चिपका के देखते हैं कि ये बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग का ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी चिपका लेते हैं। तो दोस्तों, इसको भी चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ करूँगा। ऐसे किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा जो कि आप लोग के पास नहीं होगा। यहाँ पर मैं उन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपके पास ईजिली अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको भी चिपका दिया है। अब दोस्तों, इसके नीचे से काफ़ी एक्स्ट्रा पार्ट निकल चुका है तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद सिंपल से हम लोग कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों, इसको भी चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ करूँगा। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको भी मैं चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, ये हम लोग का दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों, इसी तरह से मैंने एक और रोल बना कर रखा था, इसको हम लोग इसके आगे वाले साइड में यहाँ पर चिपकाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर भी मैं इसको फेविकॉल की मदद से चिपका लेता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी चिपका दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग इसके नीचे वाले साइड में भी चिपका देंगे। तो चलिए इसको भी पहले मैं चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको भी चिपका दिया और इसके नीचे वाले एक्स्ट्रा पार्ट को भी पहले मैं कट कर लेता हूँ। तो इसको कट करने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों, इसी तरह से मैंने एक और रोल को कट कर लिया था, इसको मैं इस वाले जगह पर चिपकाऊंगा डिजाइन के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको भी फेविकॉल की मदद से चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ।
तो इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो लुक है वो काफी अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती कर दिया था, हम लोग को यहाँ पर इसको कट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, इस वाले दो हिस्से से हमें इसको कट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पहले से ध्यान रखना होगा कि आप लोग को इतने दूरी आपको चिपकाना पड़ेगा, ऊपर तक आपको नहीं चिपकाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ इतना हमें इसको चिपकाना था और ऊपर में हमें ये दोनों हिस्से को छोड़ देना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते, अब ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ, इसको हम लोग को पकड़ने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसका लुक भी काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया, तो सिंपल से हम लोग इसका भी एक रोल बना लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसका रोल बना लेता हूँ। तो दोस्तों इसको बनाना काफी ज्यादा इजी, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इस रोल को बनाने के बाद अब हम लोग अपने गन को लेंगे और इस वाले होल के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से इस रोल को डाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग जैसे तो कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे और दोस्तों ये हम लोग का इसके अंदर फ्रीली मूव कर सके। अब दोस्तों इधर से हम लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इसके दूसरे साइड से लगभग इतने दूर से हम लोग कुछ इस तरह से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने इसको कट कर दिया। अब दोस्तों दोबारा से हम लोग अपने गन को लेंगे और इसके अंदर दोबारा से हम लोग इसको कुछ इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों इधर से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे और लगभग इतने दूर से हम लोग इसको फिर से लेंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमें कुछ इतना टाइप का मोड़ लेना है। अब दोस्तों सिंपल से हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसके नीचे वाले एक ऑल होल में हम लोग कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का एक ट्रिगर बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों जब आप लोग इस ट्रिगर को प्रेस करोगे तो इसके पीछे से ये कुछ इस तरह से निकलने लगेगा। उसके बाद इसको रोल आउट करने के लिए सिंपल से आप लोग को इधर से फिर से दबा देना है और चलाने के लिए सिंपल से आप लोग को कुछ इस तरह से इसको प्रेस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक और रोल लेंगे सिंपल सा। इस रोल को हम लोग अपने ऊपर वाले रोल के अंदर कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे और दोस्तों ये वाला भी हम लोग इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकेगा। अब दोस्तों लगभग इतने दूर से हम लोग इसको लेंगे। इसको लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको भी फोल्ड करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले वाले टाइम में फोल्ड किया था। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने दो रबर बैंड ले लिए, इनको हम लोग आपस में कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने इस वाले रोल को लेंगे जिसको हम लोगों ने फोल्ड किया था, उस वाले जगह पर हम लोग अपने रबर बैंड को कुछ इस तरह से फंसा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग रस्सी की मदद से बंद करके टाइट कर देंगे। अगर आप लोग रस्सी नहीं बांधना चाहते हो तो सिंपल से आप लोग इस रबर बैंड को भी बांध सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने कुछ इस तरह से इसको काफी अच्छी तरह से बांध दिया है। अब दोस्तों हम लोग अपने गन को लेंगे और इस वाले रोल के अंदर कुछ इस तरह से हम लोग इसको डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इसको डालने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों इस रबर बैंड को हम लोग पकड़ते हुए इसके नीचे से कुछ इस तरह से हम लोग इसको फंसाते हुए इसके आगे वाले साइड में फंसा देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से फंसाने के बाद हम लोग का जो गन है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों इसको चलाने के लिए सिंपल से आप लोग को कुछ इस तरह से इसको फंसा देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग इधर वाले ट्रिगर को प्रेस करोगे, उसके बाद इसके पीछे से मतलब ये वाला निकलेगा और हम लोग का जो गन है वो वर्क करेगा। अब दोस्तों हम लोग इसके बुलेट को बनाएंगे। तो इसके बुलेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल से एक पेपर का ले लिया। इसका दोस्तों हम लोग एक रोल बना लेंगे और इसके आगे से हम लोग थोड़ा सा इसको निकाल देंगे ताकि ये हम लोग का एक बुलेट का टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का मैंने टोटल 3 बुलेट को बना लिया। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये पेपर गन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए बनाते हम लोग अपने दूसरे टॉय को। तो दोस्तों हम लोग का दूसरा टॉय अब तक का सबसे ज़्यादा सिंपल टॉय है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ इस तरह के कॉफ़ी कप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कॉफ़ी कप नहीं है तो आप लोग डिस्पोजल कप का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इस कप को कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर इसको पहले मैं चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज़ कर, उसके बाद इसको मैं टेप की मदद से कवर कर दूंगा। अगर आप लोग पहले से ही फेविकोल की मदद से नहीं चिपका सकते हो तो आप लोग इसको डायरेक्टली टेप की मदद से भी चिपका सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के तीन रबर बैंड को ले लिया। इन तीनों रबर बैंड को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों रबर बैंड को जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मैचिंग स्टिक ले लिया है, इसके ऊपर वाले साइड में यहाँ पर हम लोग अपने रबर बैंड को बांध देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बांध दिया है। तो इसको बांधने के बाद बस हम लोग का एक फ्लाइंग टॉय बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको उड़ाने के लिए सिंपल सा आप लोग को अपने कॉफी कप के बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर इस रबर बैंड को कुछ इस तरह से रोटेट करके लपेट लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग को इसको खींचते हुए छोड़ देना है, तो ये फ्लाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो फ्लाइंग कप है वो काफी अच्छी तरह से यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला भी पसंद आया होगा। ये दोनों टॉयज बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आया है तो प्लीज आप लोग इसके लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है पेपर टॉय से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉय को जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।